कोलकाता रेप मर्डर केस में उलझी सीबीआई हर दिन नए एंगल से इस केस की जांच कर रही है। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन रेप और गैंगरेप की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में असम के नगांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी है उसे बेहद ही दर्दनाक मौत मिली है। दरअसल पुलिस मुख्य आरोपी तफजल को शनिवार यानी कि 24 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर आरोपी भागने लगा और नए गांव के ही एक तालाब में कूद गया। पुलिस ने फौरन गोताखोर को बुलाकर आरोपी की तलाश करवाई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद तफजल मिल गया, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी धींग में पहुंच चुका हूं और मैं वही जगह पे हूं जहां पे आरोपी का मृत्यु हो गया था। और यहीं से 200 मीटर आगे जो जगह है वहीं पे 15 साल की एक नाबालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। और ये जो झील है, इस झील को मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा झील को दिखाने के लिए। यही झील में आज सुबह आरोपी को, जो प्राइम एक्यूज्ड है तफजुल इस्लाम को, लेके आया गया है यहाँ पे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। और जब तफजुल को यहाँ पे लाया गया, वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और इसी झील में आके गिरा, कूद गया, इसी झील में आके कूदा और वहीं पे उसका जान चली गई। तो ये जो जगह है वो धींग का जो यही मेन स्पॉट है, यहाँ से थोड़ा 200 मीटर आगे जब हम जाएंगे तो वहीं पे ये जगह है जहाँ पे 15 साल की नाबालिका जो ट्यूशन से आ रही थी, उस तरफ से, उधर से ट्यूशन से आते समय उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इस घटना को अंजाम धीम इलाके में उस समय दी गई जब नाबालिग गुरुवार यानी कि 22 अगस्त को रात करीब 8 बजे ट्यूशन से साइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर आए और उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसे अधमरे हालत में सड़क पर फेंक कर आरोपी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पीड़िता को सड़क पर बेहोश देखा और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग हैवानों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।